हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुचीज गुड लाइफ। दोस्तों, भारत के घर घर में आसानी से तैयार होने वाला एक स्वीट डिश है जिसका नाम है खीर। खीर भारत के एक प्राचीन डिश में से एक है जिसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है। चलिए आज हम इस नए साल की शुरुआत इसी डिश से शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर के करीब दूध, भीगा हुआ चावल 25 ग्राम, 50 ग्राम के करीब चीनी, ड्राई फ्रूट्स और इलायची। एक बोल में दूध को हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। दूध कुछ देर अच्छी तरह उबलने के बाद अब हम इसमें भीगा हुआ चावल डालेंगे। इस चावल में 1 चम्मच देसी घी मिलाने से वो बहुत ही टेस्टी बनता है। 1 चम्मच घी मिलाने से खीर की थिकनेस बढ़ जाती है। इस खीर को हम आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से उबालेंगे। चावल अच्छी तरह पकने के बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद अब हम इसे और 10 मिनट के लिए इसे हम अच्छी तरह से पकाएंगे। कुछ देर उबालने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ काजू, किशमिश और आलमंड कटा हुआ डालेंगे। अब हम इसमें 2 छोटी इलायची कूट के डालेंगे।
इस खीर की थिकनेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाहे तो इसे और उबाल के उसे थोड़ा और गाढ़ा कर लीजिए। तैयार हो गया हमारा खीर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।